हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चोंगे स्वीट्स रेसिपी। यहाँ मैंने एक कटोरा मैदा, एक कटोरा चीनी, यहाँ आधा कप घी और नारियल के बुरादे हमने ले लिया है 4 चम्मच, और यहाँ केसर के कुछ धागे, 2 इलायची ले चुकी हूँ। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ मैदे को अच्छी तरह से छान लूँगी। बहुत ईजी और आसान रेसिपी है फ्रेंड्स। यहाँ मैंने मैदे को छान लिया है। अब मैं यहाँ 5 चम्मच घी डालूँगी। यहाँ मैंने घी डाल, यहाँ थोड़ी नमक डालूँगी, बहुत एक चुटकी के करीब मैं डालूँगी नमक। और मैं इसे अच्छी तरह से घी और नमक को मैदे के साथ अच्छी तरह से मैं मिक्स कर दूँगी। यहाँ फ्रेंड्स एक हाथ से मैं वीडियो बना रही हूँ, देखिए यहाँ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी पानी डालकर आटे को अच्छी तरह से मैं गूंध लूँगी, एक सॉफ्ट डो मैं बनाऊँगी। यहाँ मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंध लिया फ्रेंड्स। यहाँ अच्छी तरह से मसलते हुए हमने आटे को तैयार कर लिया है। अब इसे मैं ढककर आधे घंटे के लिए रेस्ट में रख दूँगी। तो चलिए आधे घंटे के बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं यहाँ चाशनी की तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने गैस पर पैन को बैठा दिया है। मैं एक कटोरी चीनी और इसी कटोरे से एक कटोरा मैं पानी डालूँगी, और चीनी मेल्ट होने तक मैं इसे पकाऊँगी अच्छी तरह से। यहाँ एक दो तार की चाशनी नहीं बनानी है फ्रेंड्स। यहाँ बस चीनी को अच्छी तरह से हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। यहाँ मैं 2 इलायची कूटकर मैं डाल रही हूँ, और कुछ केसर के धागे मैं डालूँगी। यहाँ केसर अगर न डालना चाहे तो पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप सिर्फ इलायची भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, मेरा चाशनी बनकर रेडी हो चुका है। मैं गैस का फ्लेम बंद करती हूँ, और यहाँ पर मैं यहाँ 2 चम्मच में मैदे को ले चुकी हूँ, और इसमें मैं 2 चम्मच घी मैं डालूँगी, और इसे अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी। देखिए यहाँ मैंने पेस्ट बना लिया है, इसे अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसे साइड करती हूँ। आधा घंटा हो चुका है आटे को रेस्ट लेते हुए। देखिए मैं यहाँ आटे सॉफ्ट हो चुका है अच्छी तरह से। एक बार मैं इसे फिर से अच्छी तरह से आटे को मसल लूँगी हाथों से। देखिए यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट डो मेरा बनकर रेडी हो चुका है, और बहुत ही अच्छी तरह से चिकना भी हो चुका है। इसे मैं पेड़े बना लेती हूँ। आप अपने अनुसार पेड़े बना सकते हैं, बड़ा छोटा भी साइज का पसंद करते हो। यहाँ देखिए मेरा 5 पेड़ा बनकर रेडी हो चुका है। मैं इसे लोई तैयार कर लेती हूँ। यहाँ देखिए मैंने लोई बना लिया है। अब मैं इसे साइड रख देती हूँ, और मैं एक एक लोई को बेलकर रोटी तैयार कर लूँगी। यहाँ मैंने रोटी देखिए बना लिया, इसे साइड में रख देती हूँ। इसी तरह मैं सारे रोटी तैयार कर लूँगी। फ्रेंड्स आप मुझे सपोर्ट करें, और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरे चोंगे की रेसिपी आपको कैसी लगी। यहाँ देखिए 5वां रोटी मैंने बेल लिया है। अब मैं इसे इस पर घी वाला पेस्ट मैं लगा रही हूँ। चारों तरफ अच्छी तरह मैं लगाऊंगी, और लगाते हुए मैं एक एक रोटी इस पे रखूंगी। देखिए यहाँ लगा चुकी हूँ, इस पे रोटी रखूंगी, और फिर से यहाँ अच्छी तरह से घी को लगा दूंगी चारों तरफ बराबर करते हुए। मैं यहाँ सारे रोटी को अच्छी तरह से मैंने घी लगाकर तैयार कर लिया है। अब मैं इसे हल्के हाथों से यहाँ पे बेल लूँगी।
हल्के हाथ से ही बेलना है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा दबाना नहीं है, हल्के हाथों से ही बेलेंगे। यहाँ मैंने बेल लिया है और यहाँ बचा हुआ घी का पेस्ट जो था उसे मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। चारों तरफ इसी तरह से मैं लगा दूंगी। यहाँ पर हमने सारे घी को लगाऊंगी अच्छी तरह से, चारों तरफ मैं लगाऊंगी। यहाँ मैंने चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लिया फ्रेंड्स। अब यहाँ मैं हल्के हाथों से यहाँ साइड से मैं इसे फोल्ड करते हुए अच्छी तरह से मैं पूरा फोल्ड करूँगी। हल्के हाथों से दबाते हुए अच्छी तरह से दबाए और ना आपकी लेयर खुलने लगेगा। देखिए मैंने यहाँ अच्छी तरह से फोल्ड कर दिया है और हल्के हाथों से फोल्ड करते हुए आप दबाते हुए खींचते हुए इस तरह से फोल्ड कर ले। और अब मैं यहाँ छुरी के मदद से यहाँ अपने अनुसार आप जैसा साइज बड़ा छोटा जैसा चाहे वैसा आप साइज यहाँ काट सकते हैं। या मैं यहाँ अपने अनुसार यहाँ छोटे छोटे यहाँ छोटे छोटे पीसेस में बना लूँगी। देखिए यहाँ मैंने बना चुकी हूँ। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इसी तरह से देखिए हम सारे पीस को काट चुके हैं, ये छोटे छोटे हमने काट लिए हैं। अब मैं यहाँ इस साइड से हल्का खींचते हुए और ऐसे नीचे की तरफ दबा दे कि आपके लेयर अलग नहीं होंगे, खुलेंगे नहीं। देख सकते हैं फ्रेंड्स इसी तरह से है। मैं और एक आपको दिखाती हूँ, हल्के हाथों से साइड से खींचते हुए नीचे ले जाकर अच्छी तरह से इस तरह से दबा दे। देख सकते हैं बहुत ही आसान है फ्रेंड, खींचकर नीचे दबा दे, ऐसे खुलेगा नहीं है और ना आपके। देख सकते हैं इसी तरह सारे हम बना कर रेडी कर लेंगे। देखिए यहाँ सारे मैंने बना लिया है। अब चलिए इसे आगे दिखाती हूँ। यहाँ मैं एक पेड़े लेकर और इसे मैं पूरी की तरह मैं हल्के हाथों से बेल लूँगी। देख सकते हमने यहाँ बेल लिया है। इसी तरह से सारे मैं पेड़े को बेल लूँगी। आप अपने अनुसार बड़ा छोटा साइज बना सकते हैं पूरी को और बेल सकते हैं। और एक बात का ध्यान है फ्रेंड्स, फोल्ड करते हुए दबाते हुए अच्छी तरह से फोल्ड करना आपका लेयर खुलने लगेगा। देखिए मैंने यहाँ सारे रेडी कर चुके हैं। अब चलिए मैं गैस पर देखिए तेल को मैं बैठा चुकी हूँ गर्म होने के लिए। यहाँ पर हमने तेल को गर्म होने के लिए बैठा दिया। तेल गर्म हो चुका है। मैं एक एक करके चोंगे को डालूँगी। यहाँ मैंने तीन चोंगे डाल दिया है। इसे उलट पलट कर मैं अच्छी तरह से सेक लूँगी, फ्राई कर लूँगी। देखिए यहाँ मैंने अच्छी तरह से सेक लिया। अब मैं इसे निकाल लूँगी। आप इसे ज़्यादा डार्क करना चाहे तो इसे और डार्क कर सकते हैं, पर मैं इतना ही फ्राई करूँगी। मैं बाकी का भी फ्राई कर लेती हूँ। क्रंची क्रंची अच्छी लगते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ बाकी का भी मैंने फ्राई कर लिया, बचा हुआ मैं सारे फ्राई कर चुकी हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छी बनती है। यहाँ मैंने चाशनी बना कर रखा था, ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है, हल्का हल्का बिल्कुल हल्का गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है। इसमें मैं एक एक करके चोंगे को डालूंगी, डिप करूंगी और उलट पलट कर डुबा कर। देखिए यहाँ मैं निकाल चुकी हूँ। इसी तरह मैं सारे चोंगे को रस के अंदर मैं डिप करूंगी और निकाल दूंगी।
आप इसे पर्व त्यौहार में जब भी आपको मन करे ये बना कर खा सकते हैं फ्रेंड्स। मैं यहाँ नारियल के बुरादे से मैं यहाँ ये नारियल के बुरादे ऊपर से डाल देती हूँ। इसका लुक अच्छा लगेगा देखने में। देखिए इसके ऊपर एक दो केसर के धागे मैं यहाँ रख देती हूँ, देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े की बनी है फ्रेंड्स। खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब लगती है फ्रेंड्स। देख सकते हैं बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बनी हुई है। इसे आप जब चाहे तब बनाकर खा सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए इसका लेयर अंदर से और यह बहुत ही देख सकते हैं खस्ता बना हुआ है, बहुत ही टेस्टी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी चूँगे की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें फ्रेंड्स। तब तक के लिए अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।